Thank you.
जब भी आप इस तरह से निकलते हैं तो इस बात में दो राय नहीं है, किसी सोशल कॉज के लिए निकलते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे इनिशिएटिव के बारे में? एम्पन फाउंडेशन, मुरारका, अनुषा, मेगा फाउंडेशन और आपकी प्रेजेंस। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा यार, चाहे कोविड हो, चाहे जम के बारिश हो रही हो, आप लोग ये सारी अच्छी बातों को कवर करने आते हैं। सनसनीखेज खबरें तो बहुत सारी चीज़ें लोग कवर कर ही लेते हैं, लेकिन पहले तो हृदय से आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग अच्छी चीज़ों को कवर करते हैं, पॉजिटिव मैसेज को भी आप लोग लोगों तक, आम जनता तक, आवाम तक पहुँचाते हैं, तो सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। और हाँ, मुझे लगता है कि समाज में हम लोगों को, हर एक इंसान को अपने लेवल पे जितना हो सकता है यथाशक्ति लोगों की मदद करनी चाहिए, और उसी से समाज का उद्धार होगा, उसी से लोग खुश होंगे, उसी से देश आगे बढ़ेगा। देश कब आगे बढ़ेगा? जब लोग आगे बढ़ेंगे। लोग कब आगे बढ़ेंगे? जब एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये मदद की भावना जो है, इसको छोटे छोटे कार्यों से भी अगर हम मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, मुझे ऐसे लगता है। क्या कहना चाहेंगे एम्पल फाउंडेशन के बारे में विवेक, आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले बीएमसी के जो वर्कर हैं, जी बिल्कुल, फ्रंटलाइन वर्कर, उनको भी मुरारका नहीं, इनके जो छोटे भाई हैं मेरे बचपन से मित्र हैं मनीष, तो उनको मैं कम से कम कितने 20-25 साल से जानता हूँ, 25 साल से ज़्यादा शायद, अभी ज़्यादा बोलोगे तो मेरी उम्र पता चल जाएगी, एक्टर के लिए अच्छा नहीं है ये। तो अनुषा के बारे में तो सब जानते हैं, अनुषा वो जोड़ है, वो फेविकॉल है, वो ग्लू है जो सब अच्छे कामों के बीच में रहती है और हर चीज़ों को जोड़ते रहती है, और मुझे वो उसके बारे में बहुत पसंद है, चाहे वो पर्यावरण के लिए हो, चाहे वो एनिमल्स के कॉज हो, चाहे वो सोशल कॉज हो, चाहे गरीब बच्चे को हो, लोगों की पढ़ाई के लिए हो, ब्लड डोनेशन ड्राइव हो, सब जगह अनुषा अपनी बड़ी बिंदी लेकर बिल्कुल आगे क्या कहते हैं लीडर बन के आगे चलती हैं, तो हम लोग सब अनुषा के नक्शे कदम पर चलते हैं भाई। No, I am very grateful to Anil ji, to Vivek ji for having come and doing it. Rahul has been, you know, he's been the man who's been safeguarding our area all the time. I mean, ये नहीं होते ना तो हमारे यहाँ के कोई भी बेवड़े हिलते नहीं थे. So, इनसे inspiration मिला, मैंने इनसे request की, तो फिर मैंने Anil ji और Vivek ji से request किया, और इनके initiative पे we are doing a small thing to people who do such big things for us. And I am so grateful, Vivek ji, for everything that you are doing for us. And thank you, Anil ji. Sir, हमारे सुनने दे. Please, please, आइए सर. ऐसे लग रहे हैं अभी जिम से उतर के आओ, नहीं नहीं पंप मार जाता हूं ऐसे ही, नहीं दिख रहा है वो, बोलने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है कितना जाते हो आप जिम। अनिल जी, जब विवेक जैसे शख्सियत आपके इस तरह के इनिशिएटिव में इतना बढ़ती है और कितनी हौसला अफजाई हो जाती है और कितनी बात दूर तक जाती है ना? मैं अक्सर बोलता हूँ ये बात, आज फिर विवेक भाई के सामने बोलूंगा, आवाम तक दो ही चीज समझ में आती है, आवाम अब बुरा नहीं मानना। सबसे पहले तो विवेक भाई ने जैसे कहा, आप भाइयों का रियली नमन, क्या आप जुटे हुए हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ के हर चीज़ को कवर करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। बात करें अपन आवाम की, तो जो बॉलीवुड की भाषा है और एक ऊपर वाले का खौफ, वही आवाम के समझ में आता है, और इसीलिए इस तड़के को जोड़ना ज़रूरी है। बात करें इन भाइयों की, दादा आपको नमन, जिस तरीके से आप लोग जुटे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम जैसे बदमाशों को संभालने के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छों को संभालने के लिए, बदमाशों को ठोकने के लिए, नहीं सीनियर साहब ने ही बता दिया, बहुत ही अच्छा हुआ है, उन्होंने रेनकोट दिया, बहुत बढ़िया, बड़ी बात है, कोई हमें अप्रिशिएट करते तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी गर्व होता है, उससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, हम अच्छा काम करते हैं आगे जाके। इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। आराम से अविनाश हैंडीकैप है, लेटो आराम से, लेटो ना, कोई अभी जल्दीबाजी मत करो, आराम से करो, कम 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 सर, एक मिनट
जाओ इधर आ जाओ।